हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 5 अगस्त और आज हम जा रहे हैं एक और नई ट्रिप पे जो कि है दिल्ली टू चेन्नई। और इस ट्रिप पे प्रियंका और मैं जा रहे हैं। हमें कुछ काम भी है और थोड़ा बहुत जितना घूम पाएंगे उतना घूम भी लेंगे। तो अभी बजे हैं सुबह के 6:30 हुए हैं, तो अभी हमारा ड्रॉप है एयरपोर्ट पे 7:30। तो आगे पहुँचते हैं और फिर आपको भी दिखाते हैं। सो हम अंदर आ गए हैं एयरपोर्ट के और प्रियंका को थोड़ा पेन हो रहा था, स्टमक पेन, तो प्रियंका को व्हील चेयर असिस्टेंस दिलाई हमने और बड़े मज़े से बैठ के अंदर आई है, कोई भी उसे लगे नहीं। मैं आपको बता रहा था कि प्रियंका के पेट दर्द हो गया तो उसने व्हील चेयर असिस्टेंस लिया और पूरा व्हील चेयर में बैठ के जाएगी अंदर तक, सिक्योरिटी क्लीन भी। ये बच्चा मज़े ले रहा है बैग से, पूरी सिक्योरिटी और फ्लाइट में पूरा अपना व्हील चेयर में बैठ के जाएगी। और उन्होंने पानी की बॉटल भी दी है हमारी। और यहाँ ये दो ट्विन्स हैं जो लड़े जा रहे हैं। इवन लगेज तो छोड़ो, प्रियंका ने अपना कोई भी पिट्ठू बैग भी नहीं उठाया, दोनों मैंने टांग रखे हैं। प्रियंका मस्त असिस्ट होते हुए जा रही है। ऐसा लग रहा है प्रियंका असिस्ट होते हुए। सिक्योरिटी चेक हो गया कंप्लीट। प्रियंका तो आराम से बैठी हुई थी, मैंने सब निकाला और रखा। तो अब जा रहे हैं हम गेट की तरफ। प्रियंका को लगी है थोड़ी भूख, तो प्रियंका को जाना है लाउंज, तो हम जा रहे हैं अभी लाउंज और देखते हैं आगे फिर क्या क्या मिलता है यहाँ पे। T1 के लाउंज में मैं पहली बार जा रहा हूँ, तो देख के बताता हूँ कैसा है ऊपर। यहाँ पे भी ना इनकाम लाउंज ही है, जो वहाँ T3 पे था पे मेरी लास्ट ब्लॉग में देखा होगा, यहाँ पे भी इनकाम लाउंज ही है। हम आ गए हैं लाउंज के अंदर और यहाँ पे यहाँ का इनकाम कुछ ऐसा छोटा है बट ओके है। सब चीज़ें हैं, मतलब बेसिक एमिनिटीज़ हैं और खाने पीने के लिए ठीक ठाक सा मेन्यू है एकदम। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया है, बस अपना इडली, थोड़े से आई गेस कुकुम्बर स्प्राउट्स एंड मफिन। और प्रियंका का भी हो गया, और प्रियंका भी आज आई गेस मालदीव्स के बाद ही आज ही लाउंज एक्सेस किया, तो इसलिए इसका थोड़ा ज़्यादा क्रेज़ था, तो ये इन्जॉय कर रही। प्रियंका अब ऑमलेट खा रही है और फेंटा पी रही है। अब बजे हैं 9:15 और लाउंज से एग्जिट कर रहे हैं और बोर्डिंग गेट की तरफ जा रहे हैं। अब हम बोर्डिंग एरिया में वापस दिख गए हमारे को दो आइडेंटिकल ट्विन्स। अब जा रहे हैं गेट की तरफ, बोर्डिंग शुरू हो गई है। तो अभी हम जा रहे हैं बस में बैठ के, मतलब ये डायरेक्ट नहीं लगाते जो ब्रेक होता है, तो बस के थ्रू देखेंगे। का फायदा उठा रही है क्या? फैसिलिटी अच्छी है, बोला प्रियंका पूरा लुफ्त उठा रही है। गए हैं एयरक्राफ्ट के अंदर, हमारी सीट है 32 की और 32 की, बैठ गए अंदर। विंडो सीट है प्रियंका के पास और मैं बैठा हूँ। हम आ गए एयरक्राफ्ट के अंदर, हमारी सीट है 32 की, प्रियंका बैठी है विंडो सीट के पास। और हमने जैसे अभी एयरलाइंस के स्टाफ को या एयरहोस्टेस को बताया कि वी आर एक्सपेक्टिंग शी इज प्रेग्नेंट, तो बहुत सिस्टम है। और इंडिगो का स्टाफ जो बहुत कॉम्पिटेटिव है, सो स्पेशली एयरहोस्टेस आई उन्होंने बताया कि आप दूसरे टूर से क्या करना चाहिए कौन नहीं। मुझे एक और चीज़ पता चली कि आप 32 से 32 वीक्स ईजिली ट्रैवल कर सकते हो, अगर कोई कॉम्प्लिकेट प्रेगनेंसी नहीं है। इवन इफ कॉम्प्लिकेटेड आपको एक अपना मेडिकल प्रैक्टिस करना चाहिए कि वेट सी को ट्रैवल बेसिकली फॉर बेबी फर्स्ट फ्लाइट, बेबी की फर्स्ट फ्लाइट हमारी सेवा टेक ऑफ के बाद शुरू है। जलपान का चयन तैयार रखने पर हम आपकी सेवा जल्द से जल्द कर पाएंगे। प्रेग्नेंट हो और आपकी बीवी को केयर की जरूरत है, आपका पति पहले ईयर प्लग लगाता है, जैकेट पहनता है और स्टॉकिंग भी पहनता है। In case of low cabin pressure, oxygen masks will drop automatically from the panel above. Pull a mask. Okay, I'm going to walk in here. नहीं
क्राउडेड लग रही है सिटी यहाँ से तो। अरे देख सकते हैं आप सी और ये एक बज गया, अब लैंडिंग हो रही है ऑलमोस्ट, और ये है बीच एरिया और ये पूरा ऊपर से क्राउडेड एरिया। अब मैं बोल सकती हूँ कि इंडिया के हमने एक कॉर्नर से नॉर्थ से और साउथ मैंने ट्रैवल कर लिया है। और आज भी सबसे लाइफ में मैंने पहली बार एकदम बम्पी लैंडिंग हुई, मतलब ऐसे लैंड हुए और यू बाउंस बैक एंड देन यू लैंड, मतलब अच्छा अलग ही बम्पी लैंडिंग थी। अब लैंड हो गया मेरे लिए, अब बाहर देखते निकलते हैं फिर आप लोग। यहाँ का व्हील चेयर के असिस्टेंट लेते हुए चेन्नई, वेलकम टू चेन्नई कामराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट चेन्नई। कुछ ऐसा दिखता है कामराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और हम ट्रैवल कर रहे थे एयरबस A321 से। वेलकम टू चेन्नई तमिलनाडु, प्रियंका यहाँ भी सर्विसेज का लुफ्त उठाते हुए, और हम जा रहे हैं अभी अपना बैगेज लेने बेंच नंबर 2 से। चलो जी, एक तो अपना लगेज आ गया, अब ये बड़ा बैग तो आ गया, छोटू बैग रह गया अभी, छोटी वाली इटाची भी आ गई हमारी छोटू सी, ये छोटू। अब चलते हैं हम आगे, एक साइड भाग रही है, अगर मैं दोनों हाथों से चलाऊँ तो ठीक है, एक साइड से चलाता हूँ तो राइट में भाग रही है। बैठी है प्रियंका आराम से, और ये पीछे एयरपोर्ट था तो जो इंडिगो पार्टनर था वो यहाँ बाहर तक छोड़ गया था, पिकअप पॉइंट इनका बाहर है, थोड़ा मेन रोड या कह सकते हो आप सर्विस रोड के अगेंस्ट बना हुआ है ये, ऐसा दिखता है कुछ, सब कुछ नहीं, सब कुछ तमिल में भी लिखा हुआ है और हिंदी इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। अच्छा बना रखा, बैठली शेड है तो गर्मी नहीं लग रही है। अभी हम बैठ गए हैं अपनी कैब में, अब फाइनली होटल के लिए जो कैब हमने बुक करी थी वो आ गई है, और मैं आपको दिखाता हूँ बाहर भी कैसा है रास्ते में चलते हैं। और ये रास्ते में कुछ ऐसा तो नहीं हुआ है, बट बहुत ही क्लीन है, मतलब आस पास भी साफ है तो पूरे वाली, लेकिन क्लीन रोड है, चेन्नई बोला मैंने, चेन्नई बोला, आई डोंट बी सो स्मार्ट। का ऑटो सारे लुंगी में घूम रहे हैं यहाँ पे, साइकिल पे, शॉप पे, सब पे लुंगी में बैठे हैं लोग। सो फाइनली अब वो होटल पे आ गए थे हम, और जिस होटल को हमने बुक किया था वो बहुत ज़्यादा गंदा था और बहुत ज़्यादा प्राइस मांग रहा था, आई डोंट नो कैसे क्या वो की बहुत बेकार सर्विस है। पहले मैंने बहुत वो यूज़ किया है, मतलब इसके लिए कहीं भी स्टे जाओ वो बुक कर दो, कहीं भी कोई कॉन्फ्रेंस में गए वो बुक कर दिए, बट पॉइंट इज कि इस बार इतना गंदा एक्सपीरियंस है ना, दो बार होटल कैंसिल करा, फिर उसको कैंसिल करा, वहाँ पैसे खत्म हुए, फिर अब हमने दोबारा एक और होटल लिया आसपास कोई और लेके आया, तो उससे भी हमने जो भी बार किया, बट ये डिसेंट सा होटल है और ठीक ठाक सा रूम है, सो आई शो यू द रूम, तो इट्स स्टिल बेटर, बट हमारे को लग गया इसमें भी ऑलमोस्ट 45 to 50 minutes पूरे सिनेरियो में। थोड़ा खाना वगैरह देखने के लिए निकला हूँ और मुझे कुछ नहीं मिल रहा, मतलब यहाँ पे सारा नॉन वेजिटेरियन है आसपास ज़्यादातर, और वेजिटेरियन बहुत ही कम ऑप्शन है। अब मुझे मिला वहाँ पे वड़ा चटनी की एक शॉप, बाकी तो वेजिटेरियन बहुत कम ऑप्शन है, तो शॉप थी मतलब टी शॉप जैसी थी, जैसे हमारे यहाँ समोसे मिलते हैं नॉर्थ इंडिया में, तो ये वड़ा चटनी समोसे भी रखे थे, बट तो मैं वड़ा चटनी लेके आया हूँ, और प्रियंका अभी पलट बेबी मून का पहला ये जो हमने ब्रंच लंच कुछ भी कह सकते हो, और ये जब बेबी आएगा तो बेबी को बच्चा लेगा, उसकी मम्मी साउथ इंडियन बहुत खा रही है और पापा उसको चेन्नई लेके आए साउथ इंडियन खिलाने, वो वड़ा चटनी खा रही है, वो वड़ा चटनी चेन्नई। तो जब ये बेबी बड़ा होगा तब देखेगा, उसके लिए हमें सेव करके रखेंगे। आज है डेट 5 अगस्त और अभी शाम के बजे 5, और हम हैं अभी चेन्नई तमिलनाडु में, तमिलनाडु में चेन्नई में भी हम एग्जैक्टली मुझे अन्ना नगर के आसपास, अन्नामलाई नगर के आसपास है, आर अन्ना सलाई के और आर करके कुछ जगह है यहाँ पे, जी सिल्वर होटल्स। हमारा वो जो चटनी वड़ा था उसको खा के, और अब करीब 2.5 घंटे बीत गए हैं, तो अभी बजे हैं रात के 7:30, तो हम सोचे थोड़ा बाहर एक्सप्लोर कर आएंगे और डिनर कर आएंगे, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, आसपास ही या फिर मैं भी ऑटो से जो फर्स्ट वेज शॉप या जो भी मिलेगा रेस्टोरेंट वगैरह वहाँ खा के आ जाएंगे। तो अभी चलते हैं और देखते हैं आगे। हमने बीच में 2.5 घंटे में प्रियंका सोई थोड़ा सा, मैंने वापस अपनी जिमतारा कंटिन्यू करी, तो यही सब करा हमने अभी, अब हम जा रहे हैं श्री होटल श्री भवन करके था पास में, वेज है पूरा रेस्टोरेंट, तो जनरली तो सारा इसमें साउथ इंडियन है, पर सब वेजिटेरियन है, ठीक है दिखाता हूँ। ये इनका कुछ मेन्यू है, प्राइस तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग टाइप के मेरे को वो दिख रहे हैं, जैसे घी रवा डोसाई
घी उत्तपम, घी अनियन उत्तपम, सर वैसे 30-40 रुपये 24 रुपये शुरू हो जाती है। और यहाँ से मैक्सिमम डोसा भी 100 रुपये का भी नहीं है, इसमें मैक्सिमम 85 में देखे ना पेपर रोस्ट मसाला। ये स्पेशल मसाला डोसा और प्राइसेस तो लिटरली कुछ भी नहीं है। स्पेशल मसाला डोसा देखोगे तो 60 रुपये का लिखा हुआ है और 60 रुपये के हिसाब से तो इट्स वेरी गुड। ठीक है, कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है, आप खा के देखेंगे फिर आपको बताएंगे। तो वहाँ से मसाला डोसा वगैरह सब खा के आ गए थे हम, और उसके बाद मतलब रेस्ट करा, वापस कुछ करने को था नहीं, थोड़ी देर मोबाइल चलाया, बट अब फिर से भूख लगी हुई, जल्दी कर लिया था हमने डिनर, तो हमने पिज्ज़ा मंगाया और रात के बजे भी सब आए। तो आज के लिए बस हम फिर करते हैं और फिर बस सो जाएंगे। तो आज के लिए ब्लॉग करते हैं ख़त्म, आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टिल देन बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर, बाय बाय। आज है 5 अगस्त और ये है हमारा बेबी मून सेकेंड, पहला था देहरादून जैसा आपने देखा होगा, और आज हम जा रहे हैं दिल्ली टू मुंबई। तो ये हमारा बेबी मून का वेकेशन सेकेंड है, तो आप ही देखोगे बाद में, बट लेकिन आपको अपडेट देते हैं। मैं दिल्ली एयरपोर्ट कल कुछ ऐसा दिख रहा है, रूम जो है मेरा होटल का वो वाला तो बहुत ही छोटा था, आपके यहाँ नहीं देखने गई थी, बहुत ही डेंजी सा था, ये तो फिर भी बेटर है। नाउ इट्स नॉट अ ओयो प्रॉपर्टी, ये कोई ये जी सिल्वर होटल्स की प्रॉपर्टी है, तो अच्छा है बेटी, ये वॉशरूम और एक टेस्ट बहुत बढ़िया है। और आप ये देखोगे पत्ते के ऊपर रख के दिया है, पेड़ का पत्ता है।